वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्हें गांधी जी से प्रेरणा मिली। मेरी माँ एक पहाड़ी किसान महिला थी और उसको गाय भैंस पालने का बहुत शौक था। हमारी एक गाय थी जमुना, तो जमुना ने कुछ जहरीली पत्ती खा ली और वो बीमार पड़ गई और अब वो मरने को हो गई। और वो कहने लगी माँ मुझसे कि देखो इसकी कैसे टांगें छटपटा रही हैं, इसके दर्द को मैं महसूस कर रही हूँ, मेरे भी दर्द हो रहा है, मेरे भी टांग में दर्द हो रहा है, मेरे भी तकलीफ हो रही है। और मैं आज तो समझ सकती हूँ, तब तो मैं नहीं समझती थी कि ये नॉन वायलेंस या अहिंसा का सबसे बढ़िया स्वरूप था। हमारी गाय मर गई, ठीक है, वो बात मुझे नहीं कहनी है, पर वो अनुभूति करना, वो महसूस करना, मनुष्य के साथ नहीं, अपने बच्चे के साथ नहीं, अपनी बहन के साथ नहीं, एक पशु के साथ, एक जानवर के साथ। और मैं सोचती हूँ कि मेरी माँ को वो ऐसा कहना चाहिए कि प्रेम की पराकाष्ठा के कारण वो महसूस होता था। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, तब हमने उसके खिलाफ आंदोलन किया कि अगर हिंसक आंदोलन होता तो लोगों की हिम्मत उतनी नहीं होती जितनी मैंने उसमें देखी। तो उसने कहा आप कह रही हैं इसलिए क्या बंद कर दूं उस दुकान को, आप मेरी बॉस हैं। तो कहा अरे नहीं बंद करोगे तो हम उसमें आग लगा देंगे। फिर उन्होंने कहा आप आग लगाओगे तो मालूम है ये एक अपराध है और मैं आपको जेल में डाल दूंगा। अरे तुमने हमारा गांव भी जेल बना रखा है, तुम्हारी जेल में हम जाएंगे क्यों नहीं, हमको जेल में जाने में कुछ दिक्कत नहीं, पर तुम एक हथकड़ी लेके मत आना, हम वहाँ 1,500-2,000 महिलाएं हैं, 2,000 हथकड़ियां लाना, हम सब आएंगे तुम्हारी जेल में। जब इतना मैं कहती हूँ ये ताकत कहाँ से आती है, क्या ये बंदूक की ताकत थी, ये है अहिंसा की ताकत। और अगर सचमुच में अहिंसा की ताकत दिखती है तो इन इन जैसे लोगों में मिलती है जो बिल्कुल शुद्ध हैं, जिनके दिमाग में कोई राजनीति नहीं है, कोई षड्यंत्र नहीं है, कुछ नहीं है, सीधे सीधे बात करते। देवी ने देखा अरे वो कौन जा रहे हैं, उन्होंने कहा ये अच्छा वो तो आ रहे कुल्हाड़े लेके जाने वाले, वो पेड़ काटने वाले आ गए, वो तो पहाड़ पर चढ़ गई और इतनी तेजी से ऊपर चढ़े कि वो आए उससे पहले ये पहुंचे और महिलाओं को कह दिया आ जाओ मेरे साथ। और सारे गांव की महिलाएं गौरा देवी के साथ पहुंच गई वहां, और जब तक वो काटने वाले आए तब तक ये तो एक एक पेड़ पर खड़ी हो गई कि नहीं काटोगे, काटना है तो हमारे शरीर पहले काट लो फिर तुम पेड़ काटोगे। ये भी ये किसी का बताया हुआ सत्याग्रह नहीं है, कहाँ से आया, अपने आप अंदर से आ गया सत्याग्रह। वो सत्याग्रह तो है और बिल्कुल अहिंसक सत्याग्रह है, कहीं पर हिंसा नहीं है। तो शुरू में ही चिपको जो है वो बहुत ही अहिंसा का प्रतीक है। मेरा विश्वास तो दिन प्रतिदिन उस पर ज्यादा ही हुआ है। मैं व्यक्तिगत संबंधों में भी देखती हूँ, आप जितना संयम रखते हैं, जितना आप पेशेंस रखते हैं, जितना आप धैर्य रखते हैं, उतना ही आपके संबंध मधुर होते हैं, आपके संबंध अच्छे होते हैं। और जितना आप जल्दी से ऐसे हो जाए ये करें ये हिंसा है वो करते हैं, उतना ही संबंध अच्छे नहीं बनते हैं। उनको ना अहिंसा बचपन से आनी चाहिए। आप शिक्षा में क्यों नहीं बच्चों को ये सिखाते, आप घर में क्यों नहीं सिखाते बच्चे को कि बेटा तुम ये मांग रहे हो खरीदने के लिए लेकिन ये हम नहीं खरीद सकते। अरे बेटा मांग रहा है, रो रहा है, लाओ कहीं से लाओ, खरीदो, दो उसको। ये चीज हमको हिंसा की ओर ले जाती है, संयम हमको अहिंसा की ओर ले जाता है। तो मैं सोचती हूँ संयम तो निश्चित सिखाना चाहिए, और ये नहीं कहना चाहिए कि संयम तो बुड्ढों का काम है, साधुओं का काम है, सन्यासियों का काम है। मुझे नौजवान लोग ऐसा ही कह देते हैं, तो ये नहीं, बल्कि ये हमारा काम है और हमारी जीवन को ज़्यादा अच्छा बनाने का यही तरीका है। इसी तरह से हिंसा के कुएं में पड़ा हुआ व्यक्ति भी समझेगा
कि ये स्थिति यहाँ तक पहुँचने में ये कारण थे, मुझे जाना है। एक गांधी ही बताने वाला नहीं है, हर एक के अंदर एक गांधी है और वो अपने से बताएगा, कहेगा कि नहीं ये कारण था इसलिए तू हिंसा में पड़ा है। आपने तो सुना है बहुत सारे लोग जो बहुत हिंसक थे वो किस तरह से पलट गए और किस तरह से अहिंसक बन गए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि समाज तो मनुष्य तो अहिंसक बनने ही वाला है। उसने भले ही आज तो अपनी सारी बुद्धि शक्ति अहिंसक बनने से दूर जाने की कोशिश की, हिंसक बनने में ताकत लगाई, लेकिन वो अहिंसक बनने ही वाला है, बनेगा। थोड़ा कहीं पर किसी एक व्यक्ति की बात से किसी में परिवर्तन आता है, किसी को इसी आपकी यूट्यूब से सुन के कुछ परिवर्तन हो जाएगा। हाँ होगा, विश्वास है कि होगा।